नमस्कार, चलिए सुनते हैं नेपाली लोक कथा स्वर्ण केसी। एक ब्राह्मण था, उसकी दो स्त्रियां थी। पहली स्त्री मर चुकी थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। दूसरी स्त्री की एक लड़की थी, वह लड़की बदसूरत और कानी थी, पर सौतेली लड़की बहुत सुंदर थी। उसके बाल सुनहरे थे, इसलिए पास पड़ोस के लोग उसे स्वर्ण केसी कहकर पुकारते थे। उसकी माँ मर चुकी थी, इसलिए सौतेली माँ का व्यवहार उन दोनों भाई बहनों के प्रति बहुत बुरा था। स्वर्ण केसी के भाई को तो उसने मार मार कर भगा दिया था। स्वर्ण केसी को भी वह चैन से नहीं रहने देती थी। उसने एक भेड़ा पाल रखा था। स्वर्ण केसी को रोज भेड़ा चराने के लिए भेज देती, लेकिन उसकी अपनी लड़की मौज मारती थी। स्वर्ण केसी सौतेली माँ के इस व्यवहार को समझती थी। प्यार तो दूर रहा, सौतेली माँ उसे भरपेट खाना भी न देती थी। कभी स्वर्ण केसी सोचती, मेरी माँ जिंदा होती तो, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन वह यूं ही रो रही थी कि भेड़े ने उसे देख लिया। उसने पूछा, तू रोती क्यों है बहन? अपने दुर्भाग्य पर वह और भी रोने लगी। मेरी सौतेली माँ मुझे प्यार नहीं करती, अपनी बेटी को खाना देती है, मुझे खाना नहीं देती। कोई बात नहीं, भेड़ा बोला, जैसा कि पहले से ही वह सब बात समझता हो, मेरा कहा मानो, उस पेड़ की जड़ को खोदो, नीचे एक डंडा मिलेगा, उस डंडे से मेरे सींग पर चोट करो। स्वर्ण केसी के समझ में नहीं आया, पर भेड़े ने बाध किया। आखिर उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया, डंडा मिला, एक चोट भेड़े के सींग पर मारी तो फल मेवे मिठाई आदि कई खाने की चीजें निकली। स्वर्ण केसी ने खूब छक्कर खाया। बस तब से वह रोज ऐसा ही करती और खूब खुश रहने लगी। फिर तो वह कुछ कुछ तंदुरुस्त भी होने लगी, रूप भी निखरने लगा। बात क्या है, एक दिन उसकी सौतेली माँ ने सोचा, मैं इसे खाना भी नहीं देती, इससे इतना काम भी लेती हूँ, फिर भी यह इतनी मोटी होती जा रही है। फिर उसने अपनी लड़की को बुलाया और बोली, तुझे क्या हो रहा है, इतना खिलाती हूँ फिर भी तू मरने को होती जा रही है, स्वर्ण केसी को तो देख। और दूसरे दिन से उसने अपनी बेटी को भी उसके साथ लगा दिया और समझा दिया कि मालूम करना कि वह क्या खाती है और क्या करती है। स्वर्ण केसी सब समझती थी, सौतेली बहन हर वक्त साथ रहती थी, इसलिए भेड़े के पास जाने की उसकी हिम्मत ना पड़ती थी, शिकायत का डर जो था। फिर तीन चार दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर जब एक दिन भूख ने उसे बहुत सताया, तो स्वर्ण केसी ने सौतेली बहन को टालने की बहुत कोशिश की और एक बार किसी बहाने से उसे दूर भेज ही दिया। वह चली तो गई, पर थी बहुत होशियार, आंखें उसके पीछे ही लगी रही। उसने स्वर्ण केसी को भेड़े के सींग पर डंडा मारते और मिठाई खाते देख लिया। लौटते ही बोली, केसी दीदी तू क्या खा रही है, मुझे भी देना। केसी ने थोड़ी मिठाई उसे भी दे दी। संध्या को दोनों घर लौटी। माँ ने हमेशा की तरह अपनी बेटी से पूछा, कुछ मालूम हुआ? हाँ माँ, बेटी तो पहले से ही कहने को तैयार थी, बोली, केसी मिठाई खाती है, और उसने सारी बात बता दी कि किस प्रकार भेड़े के सींग पर डंडा मार कर वह मिठाई खाती है। सौतेली माँ भेड़े पर बिगड़ी, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बेटी इस पर बहुत खुश हुई। स्वर्ण केसी तभी से उदास रहने लगी। वह भेड़े को सदा की भांत चराने तो ले गई, पर दिन भर पेड़ के नीचे बैठी रोती रही। उस दिन उसने मिठाई नहीं खाई। भेड़े ने उससे पूछा, तू उदास क्यों है बहन? स्वर्ण केसी बोली, भैया मैं अभागिन हूँ, सौतेली माँ को सब कुछ मालूम हो गया है, वह तुम्हें मार डालना चाहती है। भेड़े ने कहा, मारने भी दो केसी, तेरे लिए मैं तब भी नहीं मरूंगा, ये सब मेरा मांस खाएंगे, पर तू ना खाना, तू मेरी हड्डियों को उठाकर एक जगह पर गाड़ देना, जब किसी चीज की जरूरत हो उसे खोदना, तेरी मनचाही चीज तुझे मिल जाएगी। भेड़ा मारा गया, स्वर्ण केसी ने वैसा ही किया। अब उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई। पहले तो वह भेड़े के साथ वन में जाकर मन बहला लेती थी, अब उसे घर में ही काम करने पड़ते थे।
खाने पीने का भी वही हाल था। रो रो कर अब उसके दिन बीतते थे, उसका कोई अपना ना था। उसकी सौतेली माँ और बहन तो मजे से बैठी रहती थी और उसको कोई ना कोई काम दे दिया जाता था। एक दिन की बात है, पास ही शहर में मेला लगा। दोनों माँ बेटी सचकर मेले में चल दी, किंतु केसी के लिए खूब सारे चावलों में कंकड़ मिलाकर साफ करने को छोड़ गई। मेले में जाने की केसी की भी इच्छा थी, पर उसके बस की बात ना थी। वह चावल साफ करती और रोती रही। इतने में कुछ गौरैया उड़ती हुई उधर आई। उन्होंने उसे रोते देखकर पूछा, बहन रोती क्यों है? केसी ने उत्तर दिया, आज इतना बड़ा मेला लगा है, मेरी सौतेली माँ और बहन तो मेले में चली गई हैं और मुझे इतने चावल साफ करने का काम दे रखा है। चिड़ियों ने कहा, तू फिक्र ना कर, तेरे बदले का काम हम कर देंगी। गौरैया का जुन कंकड़ अलग करने लगा। स्वर्ण केसी मेले में जाने को तैयार हुई, पर उसके पास अच्छे कपड़े ना थे। तभी उसे भेड़े का कहा याद आया। वह दौड़ती हुई गड्ढे के पास गई, खोदा तो उसमें सुंदर सुंदर कपड़े, गहने, सोने के जूते और एक घोड़ा निकला। केसी ने जी भर कर श्रृंगार किया और घोड़े पर बैठकर मेले को चल दिया। एक राजकुमार भी उसी मेले में आया हुआ था। उसने स्वर्ण केसी को देखा तो देखता ही रह गया। उसकी कमल की पंखुड़ियों सी आंखें, गुलाब से गाल और सुनहले बाल राजकुमार के हृदय पर छा गए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, मालूम करो ये लड़की कौन है, हम उससे ब्याह करेंगे। सिपाही दौड़े, केसी घबराई, सोचा कहीं इन्हें सौतेली माँ ने तो नहीं भेजा। उसने घोड़ा घर की ओर दौड़ाया, पर इसी बीच उसका सोने का एक जूता उसके पैर से छूट गया। सिपाही उसे तो नहीं पा सके, पर उसका एक जूता उठाकर वापस चले आए। राजकुमार ने उन्हें बहुत डांटा और फिर हुक्म दिया, जाओ सारे नगर में घूमो, जिसके पैर में यह जूता ठीक आए उसी के साथ मेरी शादी होगी। सिपाही जूता लेकर चल पड़े। वे घर घर में जाते और जूता हर लड़की के पैर में पहनाते, पर वह किसी के पैर में ठीक ही ना आता। स्वर्ण केसी के घर में भी सिपाही पहुंचे। सौतेली माँ ने अपनी बेटी के पैरों में जूता पहनाया, पर वह उसके पैरों में आया ही नहीं। केसी को जानबूझकर जूता नहीं पहनाया, पर सिपाहियों ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, इसे भी पहनाओ। सौतेली माँ ने कहा, इसके पैर में नहीं आएगा और रानी होने की इसकी हैसियत कहाँ, या तो हमारी नौकरानी है। पर सिपाही नहीं माने। डरते डरते स्वर्ण केसी ने जूता पहना और वह उसके पैर में ठीक आ गया। सिपाही बहुत खुश हुए, किसी के पैर में तो जूता ठीक आया, चलो जान बची। स्वर्ण केसी का विवाह राजकुमार से हो गया। सौतेली माँ कुड़कर रह गई, फिर भी उसे चैन न मिला। वह हर रोज उसे मारने के उपाय सोचती रही। आखिर उसने अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाना शुरू किया और एक दिन केसी को संदेश भेजा कि मुझे और तेरी छोटी बहन को तेरी याद सता रही है, एक बार मिलने तो आ जा। स्नेहवश केसी मायके आई। अब की बार सौतेली माँ उससे विशेष प्रेम दिखाने लगी। उसकी बेटी भी हमेशा केसी के पीछे पीछे लगे रहती, उसकी बड़ाई करती और उसे फुसलाती। एक दिन वे साथ साथ घूमने निकली। रास्ते में एक ताल था, दोनों वहां बैठ गई। फिर बातों ही बातों में सौतेली माँ की लड़की ने कहा, केसी दीदी तू कितनी सुंदर है, जरा पानी में अपनी परछाई तो देख, तू कैसी लग रही है, जैसे आकाश में चंदा। केसी मुस्कुराई, मालूम हुआ जैसे फूल झड़े हों। सौतेली माँ की लड़की बोली, ये कपड़े ये गहने तुझ पर कैसे सोहते हैं, जरा मुझे दे दीदी, तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे, देखूं मैं कैसे लगती हूँ। इसे विनोद मात्र समझकर केसी ने अपने कपड़े उसे पहना दिए, उसके कपड़े आप पहन लिए। सौतेली बहन फिर भी सुंदर नहीं लग रही थी। केसी के लिए सौंदर्य की क्या कमी थी। केसी दीदी, उसने कहा, तू मेरे कपड़ों में भी कितनी सुंदर लग रही है, जरा देख तो पानी में अपनी सूरत। स्वर्ण केसी पानी में परछाई देखने के लिए जैसे ही झुकी,
पीछे से सौतेली माँ की बेटी ने उसे धक्का देकर डुबो दिया और खुद राजमहल में चली आई। जैसे वही स्वर्ण खेसी हो वहाँ घूंघट निकाल कर बैठ गई। राजकुमार ने देखा तो ताजुब में पड़ गया, बोला, तू बोलती क्यों नहीं, कैसी रूठी से क्यों बैठी है? पर कुछ उत्तर न मिला, केवल कुछ क्षणों तक सकपकाती रही। राजकुमार को संदेह हुआ तो उसने घूंघट उठा दिया, एक दूसरी ही शक्ल दिखाई दी। कुछ देर तक वह भ्रम में पड़ गया। तू काली कैसे हो गई कैसी, उसने पूछा। उत्तर मिला, धूप सेकने से। फिर राजकुमार ने उसकी कानी आंख देखी तो पूछा, और आंख में क्या हुआ? कौवे ने चोंच मार दी। राजकुमार सारी बात भांप गया, उसने उसे खूब पीटा और पूछा, बता स्वर्ण कैसी कहाँ है? आखिर उसने सारा भेद बता दिया। राजकुमार ने स्वर्ण कैसी की खोज में जगह जगह सिपाही भेजे, उन्होंने उसे ताल के किनारे बेहोश पड़ा पाया। सिपाही उठाकर राजमहल में ले आए, दवा दारू हुई और कैसी ठीक हो गई। राजकुमार ने राजधानी में खूब खुशियां मनाई। इसी बीच स्वर्ण कैसी का भाई ताल के पास पानी पीने आया, उसने पानी में हाथ डाला तो हाथ में सोने के बाल आए। उसने बाल देखे और वर्षों की याद ताजा उठी, ये बाल तो मेरी बहन के जैसे हैं। उसने सोचा, ये यहाँ कहाँ से आए, कहीं वह मर तो नहीं गई। वह बहन की याद में बावला हो उठा, रोता कलपता सौतेली माँ के पास गया और बोला, मेरी बहन कहाँ है? सौतेली माँ ने जवाब दिया, मर गई। भाई को विश्वास आ गया, उसने मेढक की खाल की ढपली बनाई और उसे बजाते हुए जगह जगह बहन के बिरह में गाना गाने लगा। वह गली गली कूचे कूचे गाता फिरा। एक दिन वह बहन के राजमहल के पास इसी तरह गाता हुआ गुजरा। बहन ने भाई की आवाज पहचान ली, उसने उसे लेने के लिए बांदी भेजे। बांदी ने कहा, रानी ने बुलाया है। भाई बोला, मुझे क्यों ले जाते हो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? खैर उसे पकड़ कर लाया गया। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। राजकुमार इस मिलन से बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने स्वर्ण केसी के भाई को उसी दिन से अपना मंत्री बना लिया और वे प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नेपाल की लोक कथा स्वर्ण केसी।